नमः ओम विष्णु पादाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्तेश्वर देव गोस्वामी इति नामिने भागवानी सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्य में शिलेना सर्वानन विधायने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पांचा कर्तृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल की हमारी ब्रज परिक्रमा हमने पॉज किया था रजक वध पर, जहाँ पर श्री कृष्ण जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने उस धोबी का वध किया था जब उसने कान्हा जी को कपड़े देने से मना किया था। तो रजक वध के से हम आगे बढ़ते हैं गोकर्ण महादेव पर। तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा गोकर्ण महादेव। महादेव यहाँ पे मथुरा के उत्तर दिशा में ये धाम के क्षेत्रपाल है। तो हमारे जो शिव जी हैं उनका हर स्थान पर जहाँ भी श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर उसके क्षेत्रपाल बनकर शिव जी का भी मंदिर है। यानी पूरे मथुरा परिक्रमा में हमें हर जगह महादेव जी भी साथ साथ मिलेंगे क्योंकि वो उनके परम भक्त हैं और वो स्थान की रक्षा करते हैं। तो क्षेत्रपाल बन के यहाँ पर भी गोकर्ण महादेव जी हैं। ये प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत वक्ता गोकर्ण के द्वारा पूजित होने के कारण गोकर्ण महादेव कहलाते हैं। इससे आगे यमुना के तट पर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए अम्बरीश टीला के दर्शन होता है। तो अम्बरीश टीला पे क्या सरस्वती एवं यमुना जी के संगम के समीप ही दाहिनी ओर अम्बरीश टीला है, जहाँ पे सरस्वती जी और यमुना जी का मिलन होता है, संगम होता है, उसके दाहिनी ओर अम्बरीश टीला है, नया मनी राइट साइड। तो आज अम्बरीश ने सतयुग में सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे और वे भगवान के एकांतिक भक्त। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति के विभिन्न अंगों में के पालन में नियुक्त कर रखा था। तो अम्बरीश महाराज जी की तो कथा हम सब जानते हैं, कैसे वो अपने हर इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करते थे, भगवान की सेवा में करते थे। हाथों के द्वारा वो भगवान के श्रीमंदिर मंदिर की सफाई करते थे, मार्जन देते थे, कानों के द्वारा भगवान कथाओं का श्रवण करते थे, नेत्रों के वो मंदिरों में भगवान जी के शिव मूर्ति के दर्शन करते थे और अपने जो नाक है उसको वो भगवत चरणों में अर्पित जो माला होती है, फूल होते हैं, चंदन होते हैं, उसका सुगंध ग्रहण करते थे। रसना यानी जीवा के द्वारा वो भगवान को अर्पित जो प्रसाद होता है उसका सेवन करते थे। पैरों से वो भगवत धाम जाते थे, तुलसी एवं श्री मंदिर आदि की परिक्रमा करते थे और एकादशी और भगवान की जो भी हरि 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 वासा तिथियां हैं उसका पालन करते थे। तो इसी तरह हम जानते हैं कि कैसे दुर्वासा ऋषि उनको द्वादशी के दिन आकर उनसे कैसे नाराज हो जाते हैं, और क्योंकि अम्बरीश महाराज जी जल लेकर अपना व्रत ओपन तोड़ देते हैं, उसका पारण करते हैं और फिर जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अपने अहंकार में उनको उनसे नाराज होकर उनको श्राप देते हैं। तो महाराज ने आदर पूर्वक उन्हें व्रत का पारण बताया था। जब क्रोधित होते हुए महाराज ने उनकी प्रतीक्षा के बिना ही व्रत का पारण कर लिया तो उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और उसे जलती हुई कृत्या राक्षस का रूप देकर अम्बरीश को भस्म करना चाहा। तो ये जो दुर्वासा ऋषि थे इन्हें बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता था और फिर वो जब वो लौट के आते हैं स्नान करके पारण करने के लिए द्वादशी का, तो वो देखते हैं कि महाराज जी ने जल लेकर पारण कर लिया। तो एक्चुअली में जल लेना तो कुछ भी नहीं होता है, वो कोई भोजन करने के समान नहीं होता, पर दुर्वासा ऋषि अपने अहंकार में इतने क्रोधित होते हैं
वो अपनी जटा को खोलते हैं, और उनकी जटा खुलते ही वहां से एक राक्षसी का जन्म होता है, और वो राक्षसी को अम्बरीश महाराज को भस्म करना चाहती है। लेकिन महाराज अम्बरीश दीनता पूर्वक हाथ जोड़े निर्भीक रूप से खड़े रहते हैं, किंतु क्या होता है, जैसे ही वो राक्षसी प्रहार करने आती है अम्बरीश महाराज पर, तो वहीं पे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनका सुदर्शन चक्र आ जाता है, और फिर महर्षि देवर्षि दुर्वासा अपने सर पर पैर रखकर बड़ी तेजी से वहां से भाग जाते हैं, और वो जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों पर भागते हैं अपनी रक्षा के लिए, भू भुआ स्वा आदि लोगों में इधर उधर प्राणों के लिए को बचाने के लिए भागते हैं। कभी वो ब्रह्म लोक पहुंचते हैं, फिर वो शिव लोक में भी जाते हैं, किंतु किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की, ना शिव जी ने उनको बचा पाए सुदर्शन चक्र से, ना ब्रह्मा जी उनको बचा पाए। सर्वत्र ही उन्होंने भयंकर चक्र सुदर्शन को अपना पीछा करते हुए पाया। अंत में वो वैकुंठ लोक में नारायण जी के पास पहुंचकर त्राही त्राही पुकारने लगते हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा मांगो। तो श्री भगवान नारायण ने कहा कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ और मैं उनका हृदय हूँ और वो मेरे हृदय हैं। तो जिन्होंने घर बार अपना घर परिवार स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ली है, उनको मैं भला कैसे छोड़ सकती। तो आप शीघ्र भक्त अम्बरीश के पास लौट कर, यानी अगर हम किसी शुद्ध भक्त का के प्रति कोई अपराध करते हैं या हमसे कोई अपराध हो जाए, तो उसके लिए कृष्ण भी हमें क्षमा नहीं कर सकते, यानी वो अधिकार कृष्ण ने अपने पास नहीं रखा। इसलिए जब भी हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाए, हमने जिस भक्त के प्रति वो अपराध किया है उसके पास जाकर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, और उनकी प्रार्थना से ही सुदर्शन चक्र शांत होता है। यानी अम्बरीश महाराज जी जब जब दुर्वासा अच्छी बात है वो ऋषि सुनिए जी। अम्बरीश महाराज यस जी के पास, हरे कृष्ण, जी अम्बरीश महाराज जी के पास पहुंचते हैं, हरि बोल रहा हूँ बोल, सभी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ, तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र जी से प्रार्थना करते हैं, और फिर इस तरह दुर्वासा ऋषि की रक्षा होती है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, तो ये वही स्थान है जिसको हम अम्बरीश टीला बोलते हैं, जहाँ पर ये सारी घटनाक्रम हुआ था। तो ये सब देखकर दुर्वासा ऋषि जी महाराज अम्बरीश की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि आज मैंने भगवान अनंत देव के भक्तों की अभूतपूर्व महिमा की उपलब्धि की है। मुझ जैसे अपराधी की भी उन्होंने सदा मंगल का ही कामना किया, या केवल भगवत भक्तों के लिए ही संभव है। ऐसा कोई वैष्णव ही कर सकता है कि वो जो व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहा हो, तो इतना सहन शक्ति एक वैष्णव भक्त में ही होता है कि वो उसकी गलती को क्षमा कर सके। जगह यानी बड़ा से बड़ा अपराध को भी वैष्णव में इतनी क्षमता होती है जो उस अपराध को क्षमा कर पाए। तो ये वही स्थान है, अम्बरीश टीला भक्त अम्बरीश की महिमा का आज भी साक्षी दे रहा है। पास में ही यमुना के तट पर चक्र तीर्थ, जहाँ पर महाराज अम्बरीश ने तव स्तुतियों के द्वारा चक्र को शांत किया था। जो सुदर्शन चक्र जब आता है तो उसको शांत करने के लिए महाराज अम्बरीश ने वहां पे स्तव बोले थे और स्तुतियां की थी। और कृष्णांगना और गौ घाट से आगे आता है कंस किला, घंटा कर्ण एवं मुक्ति तीर्थ है। यानी कंस किला कंस का निवास स्थान था या उसका राजभवन था। किले का भग्ना भग्नावशेष आज भी उसकी साक्षी दे रहा है, यानी अभी भी उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं उस राजभवन के। कंस किला और स्वामी घाट के पास में वसुदेव घाट के बीच में भ्रमर घाट आता है, वैकुंठ घाट आता है, और धारा पतन है। उसके बाद असी कुंड आता है, असकुंडा घाट, और फिर उसके आगे आता है मणिकर्णिका घाट, के पश्चात आता है विश्राम घाट। तो विश्राम घाट से शुरू होके ये पूरा एक सर्कल सा बन गया। यहीं पर पंचकोसी मथुरा परिक्रमा समाप्त होती है। तो यहाँ पे हमने पूरी मथुरा मथुरा जी की परिक्रमा कर ली। अंतर्गृही परिक्रमा में
विश्राम घाट के दक्षिण में गताश्रम नारायण का मंदिर आता है। वर्तमान में सती बुर्ज के पास ही दाहिनी और गली में चर्चिका देवी का दर्शन है। रंगेश्वर मंदिर के पास पूर्व की ओर सप्त समुद्री कूप है। और जंक्शन स्टेशन जाने वाले राजमार्ग पर रेल लाइन के नीचे शिवताल है। वहीं से मधुबन जाने का रास्ता भी है और भरतपुर दरवाजे के समीप ही दीर्घ विष्णु का मंदिर भी है। तो आप जानते हैं देव विष्णु के बारे में। जिस समय भगवान कृष्ण गोप सखाओ एवं बलदेव जी के साथ रंगभूमि में जा रहे थे, रंगभूमि जहाँ पे वो पहलवान के साथ युद्ध होने वाला था, उस समय जब भगवान जी अपने मित्र श्री रामा के साथ सखाओ के साथ उस जगह पर जा रहे थे, तो उस समय श्री राम ने आदि सखाओ ने सखा कृष्ण से पूछा कि हे सखे, तुम रंगभूमि में जा रहे हो, इतने सुकोमल और नन्हे शरीर से महाबलवान कंस को कैसे मारोगे? तब श्री कृष्ण ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, यानी विष्णु के जो सिंबल्स हैं वो सब वो धारण करते हुए अपने दिव्य स्वरूप को दिखाया। तो उस समय जाने से पहले उन्होंने अपने मित्र मित्रों को अपना विष्णु स्वरूप दिखाया था। तब सखाओं को यह विश्वास हुआ कि उनका कन्हैया नारायण की कृपा से सब कुछ कर सकता है। उस समय भी वो सखा कृष्ण को भगवान नहीं मानते, बार बार कृष्ण उनके सामने इस तरह आते हैं, लेकिन जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण को फिर भी भगवान नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर कभी कभी नारायण जी आ जाते हैं। और तब उनको ये विश्वास होता है कि नारायण की कृपा से ये जो कोमल सा बालक है श्री कृष्ण, ये कंस की है हत्या कर पाएगा। तब वे नृत्य करते हुए श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक रंगशाला की ओर चल पड़े। उसके आगे आता है श्री पद्मनाभ जी। उसी गली से जहाँ पे वो रंग भवन की ओर जा रहे थे, उसी गली से होकर पूर्व की ओर जाने पर भगवान श्री पद्मनाभ का चौबेया पाड़ा में मंदिर है। चौबेया पाड़ा करके वहाँ पे कोई स्थान है जहाँ पे श्री पद्मनाभ का मंदिर है। गर्भोदशायी भगवान पद्मनाभ के नाभि स्थल से निकली हुई कमल डंडी से निश्चित, यानी उसमें से जो कमल निकला था उसमें से गोल्डन कमल निकलता है उनकी नाभि से, उसमें से श्री पितामह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की कृपा से वैराज ब्रह्मा जी स्थूल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो कैसे ये सब तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान की नाभि कमल से, और फिर वो सोचते हैं कि नहीं यहाँ कैसे आ गया, और फिर उनको कहीं से आवाज आती है कि उन्हें तपस्या करना है, और फिर वो तपस्या करते हैं। तब उन्हें भगवान उनके हृदय में पूरा ज्ञान देते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। बहुत हजारों साल ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। उसके आगे नेक्स्ट आता है आदि वराह का मंदिर। आगे बढ़ने पर वर्तमान में जो द्वारकाधीश मंदिर के पीछे माणिक चौक में वराह जी के दो मंदिर हैं। एक में कृष्ण वराह मूर्ति है, यानी एक में ब्लैक कलर में कृष्ण वराह मूर्ति है, दूसरे में श्वेत वराह मूर्ति, यानी व्हाइट कलर की मूर्ति है वराह जी की, वो है। फिर ब्रह्म कल्प के स्वयंभू मन्वंतर ने ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से नॉस्ट्रिल से कृष्ण वराह का जन्म हुआ था। जो ब्लैक कलर के वराह जी है उनका जन्म, ये चतुष्पाद वराह मूर्ति है, और इन्होंने रसातल से पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर रखकर उद्धार किया था। और चाशुक्ष मन्वंतर ने समुद्र के जल से, और जो समुद्र के जल से जब पृथ्वी का उद्धार हुआ था तो वो श्वेत वराह ने किया था, और उनका मुखमंडल वराह के समान है। जो श्वेत वराह है जो व्हाइट कलर में है, उनका वो आधे वराह के रूप में है, उनका मुख वराह के रूप में है, लेकिन उनके नीचे का अंग जो है वो मनुष्य की तरह है, जैसे नरसिम्हा भगवान है वैसे ये नर वराह है जो व्हाइट वाले हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था, यानी जब पृथ्वी को गंदे उसमें डाल दिया गया था रसातल में, तब उसकी रक्षा कौन कर सकता था? वराह ही कर सकता है, वराह का ही काम होता है कि वो गंदगी में से जा सकता है।
भगवान ने वराह का अवतार लिया और उस रसातल में से, उस गंदगी में से पृथ्वी को बाहर निकालकर उनका उद्धार किया। सतयुग के प्रारंभ में कपिल नाम के ब्राह्मण ऋषि थे, वे भगवान आदि वराह के उपासक थे। तो देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न किया और पूजा करने के लिए वो जो आदि वराह की मूर्ति थी उसको लेकर वो अपने स्वर्ग चले गए। ब्राह्मण को प्रसन्न करके इंद्र अपने स्वर्ग ले गए। फिर जो रावण थे वो रावण ने इंद्र को पराजित किया और फिर उस वराह की मूर्ति को ला लेकर आ गए लंका में, और लंका में उसको स्थापित किया। फिर भगवान राम ने रावण को हरा दे हैं और फिर वो लंका से वो वराह की मूर्ति अयोध्या पहुंच जाती है। फिर अयोध्या में के राजमहल में वहां पे आदि वराह की मूर्ति को स्थापित किया गया। फिर शत्रुघ्न जो राम जी के भाई हैं वो लवणासुर की हत्या करने के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब उन्होंने भगवान राम से रिक्वेस्ट किया और वो आदि वराह की मूर्ति को लेकर श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मांगकर अपने साथ लेकर आ गए। और लवणासुर का जब उन्होंने वध किया, उसको मारा, उसके पश्चात उसको मथुरापुरी में उक्त मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। तो इस तरह ये जो वराह की मूर्ति है कैसे मथुरा पहुंची, ये पूरा एक लंबा जर्नी है। पहले वो एक ब्राह्मण के पास थी सतयुग में, फिर उसके पास से रावण उसके पास से इंद्र जी ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न किया और वो वराह की मूर्ति स्वर्ग पहुंची। फिर रावण ने इंद्र को हराया और स्वर्ग से वापस उसको लंका में लेकर आ गया। फिर रामचंद्र जी ने रावण को हराया और लंका से वो अयोध्या पहुंच गए। फिर अयोध्या में से शत्रुघ्न जी उसको लेकर आ गए मथुरा में, और मथुरा में उसको स्थापित कर दिया। तो यहाँ भी वराह जी की जो श्री मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जिनका पुराणों में उल्लेख आता है, लेकिन अभी वो स्थान लुप्त है, यानी अब वो नहीं है, दिखाई नहीं देते। लुप्त होने का मतलब गायब हो गए। फिर हम नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं मधुवन। तो मधुवन में ये आता है, मधुवन कहाँ पे लोकेटेड है, मथुरा के नैऋत्य कोण में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील की दूरी पर, 2.5 मील की दूरी पर वहां पर मधुवन स्थित है। यहाँ ब्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में से एक है। सतयुग में मधु नामक एक दैत्य का भगवान ने यहाँ वध किया था, इस कारण भगवान का नाम भी मधुसूदन हो गया। और अंत में भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ गया, क्योंकि यह मधुवन भगवान श्री मधुसूदन के समान ही बहुत प्रिय एवं मधुर है। और मधुसूदन का ही दूसरा नाम क्या है, माधव, क्योंकि जो सर्व लक्ष्मीमयी श्री जो लक्ष्मियों के सबके कारण कौन है, श्रीमती राधिका, उनके राधिका के धव अर्थात धव का माधव में धव का मतलब होता है प्रियतम वल्लभ, यानी जो एकदम प्रिय है राधिका राधा रानी, ये श्री माधव ही वन के अधिष्ठात्र देवता है, यानी मधुवन के जो देवता है वो श्री माधव है। और वन भ्रमण के समय यहाँ स्नान एवं आचमन करते समय हमें ये मंत्र बोलना होता है, ओम हाम हीम मधुवन अधिपतये माधवाय नमः स्वाहा, मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। जब हम मधुवन का परिक्रमा करते हैं तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, बताइए जिससे एक बार कि और मंत्र हम का जो जाप बताइए। ओम हाम हीम मधुवन अधिपताय माधवाय नमः स्वाहा। तो इस तरह इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। मधुवन का वर्तमान नाम है महोली ग्राम। ग्राम के पूर्व में रूपतीला आता है। जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि उस रूपतीला पर बैठकर ध्रुव बालक ने चतुर्भुज नारायण शिव विग्रह का जो वहां पे विराजमान है उनका आराधना किया, और यहीं पे ध्रुव की तपस्या स्थली है। और यहीं पर बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद को के दिए हुए मंत्र के द्वारा भगवान की कठोर आराधना की थी, और जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया
और 36,000 वर्ष का, 36,000 years, एक क्षत्र भूमंडल का राज्य यानी जो ध्रुव बालक है उनको धरती पर उनको 36,000 वर्ष का राज्य मिला, और उसके बाद वो ध्रुव लोक में चले गए। ये जो ध्रुव लोक है वो ब्रह्मांड में ही स्थित है, लेकिन ये अक्षय धाम, माने ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन ध्रुव लोक नहीं खत्म होगा, इसलिए ये श्रीहरि का अक्षय धाम है। त्रेता युग में मधु दैत्य ने के अत्याचार से ऋषि मुनि और यहाँ के निवासी बहुत भयभीत थे। उस दैत्य ने शंकर जी की बहुत कठोर आराधना करके उनसे एक शूल प्राप्त किया, तो वो शूल हाथों में रहने पर उसे कोई भी देवता, दानव या फिर कोई मनुष्य पराजित नहीं कर सकता था, जब तक वो, क्योंकि उसने शिव जी से वो एक शूल प्राप्त कर लिया था, तो जब तक वो अपने हाथों में वो शूल को रखता था कोई भी उसको मार नहीं सकता था। तो वह सूर्यवंश का एक राजकुमार था, एक्चुअली में वो एक सूर्यवंश का राजकुमार था, लेकिन कुसंगति में पड़ गया, गलत लोगों की संगत में पड़ने से वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही उसके अंदर कोई सदाचार नहीं था, वो एकदम गलत रास्ते पे चला गया, इसलिए उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और पुत्र के रूप में अपने राज्य से उसको निकाल दिया, यानी उसने अपने पुत्र मानने से उसको इनकार कर दिया और अपने राज्य से अपने पुत्र को निकाल दिया क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गया था। फिर वो जाकर वो मधुवन में, जो वन था उसमें रहने लगा, और उसने मधुवन में अपना ही एक राज्यपाट बना लिया और वहां पे स्थापना करके वो सभी को वहां पे परेशान करने लगा। और सूर्यवंश के जो महाप्रतापी राजा मानधाता ने उसे दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, लेकिन जो मधु दैत्य के शंकर प्रदत्त शूल के द्वारा वे भी मारे गए, क्योंकि उसके पास वो शूल था जिसके कारण जो महाप्रतापी राजा मानधाता थे वो भी मारे गए। और अपनी मृत्यु से पूर्व वो दैत्य का जब अंत समय आया तो उसने वो शूल अपने पुत्र को दे दिया, और उसके पुत्र का नाम लवणासुर था जिसको शत्रुघ्न जी ने मारा था, तो उसको दिया, और जब और उसको बोल बताया कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये शूल रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तो अधिकंतु शत्रु तुम्हारे इस अमोघ त्रिशूल के द्वारा मारे जाएंगे, यानी जब तक तुम्हारे हाथ में ये त्रिशूल है तुम्हें कोई नहीं मार सकता और तुम अपने शत्रुओं को इससे मार सकते हो। तो वो शूल को पाकर लवणासुर क्या हो गया, और भी भयंकर और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर मधुवन के आसपास के ऋषि महर्षि अयोध्या में श्री राम के समीप पहुंचे और दीनहीन होकर लवणासुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने लवणासुर के पराक्रम एवं अमोघ शूल के संबंध में भी सूचना दी और उन्होंने कहा कि वो शूल रहित अवस्था में ही मारा जा सकता है, यानी जिस समय उसके हाथों में शूल नहीं होगा तभी वो उसको हम मार सकते हैं, अन्यथा वो अजय है, उसका उसको हराना मुश्किल है। तब श्री रामचंद्र जी के अपने छोटे भैया शत्रुघ्न सिंह जी को अयोध्या ही मधुवन के राजे का राजतिलक कर दिया, यानी इसके पहले कि वो मधुवन जाए उसके पहले ही राम जी ने शत्रुघ्न को मधुवन का राजा घोषित कर दिया, और फिर शत्रुघ्न लंका से लाए हुए प्रभावशाली शिवरा की मूर्ति को पूजा के लिए मांगा, एंड फिर श्री रामचंद्र जी सहर्ष उनको वो वरा की मूर्ति प्रदान करते हैं, और शत्रुघ्न जी ऋषि महर्षियों के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर मधुवन पहुंचे और धनुष बाण के साथ लवणासुर की गुफा के द्वार पर उस समय पहुंचे जिस समय वह अपने शूल को, वो त्रिशूल को वो गुफा में रखकर शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। जब वह हाथी और बहुत सारे मृग आदि जानवरों को बांधकर उन्हें लेकर वासस्थान में वापस लौट रहा था, उसी समय उसके हाथ में वो शूल नहीं था, तब उस समय शत्रुघ्न जी ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पुराने जमाने में कैसे, मतलब बहुत ही नियमों से युद्ध होता था, पहले ललकारा जाता था और फिर जो सामने जो क्षत्रिय होता है वो उस ललकार को इग्नोर नहीं कर सकता, तो इस तरह दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और फिर किसी प्रकार से अपना शूल लाने की वो चेष्टा करने लगा कि किसी तरह वो शूल गुफा में से ले आए, लेकिन शत्रुघ्न जी ने उसे शूल ग्रहण करने के
का समय ही नहीं दिया, मैंने उसको लाने ही नहीं दिया वो शूल, और फिर अपने बालों से उसका सिर काट दिया। इस तरह उन्होंने उजड़ी हुई मधुपुरी को पुनः बसाया और वहां भगवान वरादेव की स्थापना की, और ये आदि वरादेव मथुरा में उसी स्थान पर विराजमान जहाँ पे शत्रुघ्न जी ने उसको स्थापना की थी। मधुवन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है, और अब इसे कृष्ण कुंड कहते हैं। अब जो जब हम जाएंगे तो उसे मधुकुंड नहीं कृष्ण कुंड कहा जाता है उस जगह पर। पास में ही लवणासुर की वही गुफा है जहाँ पे वो अपना शूल रखकर उसका आवास स्थान, और यही कृष्ण कुंड के तट पर भगवान शत्रुघ्न जी का दर्शनीय शिव विग्रह भी है, यानी उनका मंदिर भी है। और द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण यहीं से लाखों गैया को लेकर उनके पीछे नाम ढोली ढुमरी कालिंदी आदि पुकारते हुए हियो धीरे 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 ध्वनि करके गैयों को हाँकते हुए ले जाते थे अपने भैया दाव के साथ, और मंजूर बंसी बजाते हुए बांसुरी बजाते हुए सखाओं के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हंसाते कभी कुंजों की ओर ओट से जो छुप कर झांकती हुई जो गोपिकाएं थी उनको देखते, छुप छुप के उनको भी नजरों से देख लेते। फिर गोचरण में ग्वाल मंडली में रसीली धूम मच जाती। इस प्रकार मधुवन में जहां तहां सर्वत्र ही प्रेम का मधु बरसता रहता। फिर गोचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उस प्रेम मधु को पार कर निहाल हो जाते। यानी ये क्या था, ये ग्वाल बालाओं का गोपियों का सबका प्रेम था जिसे हम मधु कहते हैं, जिसको पीकर कृष्ण निहाल हो जाते। मीटिंग हमारी 10 मिनट में खत्म होने वाली है, तब तक हम ये पूरा कर लेते हैं। तो ब्रज रमनिया गोद से निकलते हुए लौटते समय कुंजाओं की आड़ से महलों की अटारियों से झरोखों से अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से कृष्ण की आरती उतारती, उनको निहारते रहती, और फिर उन नजरों से ही कृष्ण की आरती उतार लेती। कृष्ण उसे नेत्र भंगी से स्वीकार, कृष्ण भी अपनी आंखों से उसे स्वीकार कर लेते। कृष्ण के विरह में ब्रजवध में एक पल का समय भी, जब कृष्ण जैसे हमने वेणु गीत में पढ़ा था कि कैसे सुबह जब कृष्ण निकलते हैं गोचरण के लिए तो सारी गोपियों को उनकी मैया को वृद्ध माता वृद्ध गोपियों को भी सबको ऐसे लगता जैसे एक एक पल एक एक युग के समान है, और जब कृष्ण लौट के आते शाम को तो ऐसे लगता कि एक एक युग भी एक एक पल के समान बीत गया। तो मधुवन में गोचारण की लीला भी मधु के समान मधुर और वर्णातीत है। कलयुग में अभी 525 वर्ष पूर्व जो हमारे श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वन भ्रमण के समय मधुवन में भी पधारे थे, और यहाँ पर जब वो श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो उसके स्मरण मात्र से उनके अंदर बहुत सारे सारे जो एक्सटेटिक सिम्टम्स हैं वो अपियर हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रतिवर्ष बहुत सी यात्राएं विश्राम करती हैं। जब यात्रा निकलती है 84 कोस की तो वो मधुवन में एक स्थान पर विश्राम करती है। तो यहाँ पे ऐसे किंवदंती है कि जो दाव जी है यहाँ पर मधु का पान कर सखाओं के साथ नृत्य करते हैं, और आज भी यहाँ काले दाव जी का विग्रह दर्शन है। तो काले दाऊ जी तो गोरे हैं, काले दाऊ का विग्रह क्यों है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब श्री कृष्ण और बलदेव जी वृंदावन छोड़ मथुरा चले जाते हैं तो यहाँ पे ब्रजवासियों का हाल खराब हो जाता है, उनके विरह में वो व्याकुल हो जाते हैं। ये सुन के बलराम भैया कृष्ण को बोल को साथ लेकर ब्रज जाने की इच्छा करते हैं, किंतु कारण से भगवान कृष्ण नहीं जाते हैं, उनको विलंब हो जाता है आने में। तो जो बलदेव भैया है वो ब्रज पहुंचते हैं तो उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं कृष्ण आ जाएंगे कृष्ण आ जाएंगे, लेकिन ब्रजवासियों की जो दशा है वो देख के उनको भी कृष्ण का विरह हो जाता है, और कृष्ण के विरह में वो कृष्ण की ब्रज लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके देह का रंग भी श्याम रंग हो जाता है, कृष्ण की तरह चिंतन करते हुए कृष्ण के अंग कांति वाले हो गए। इसलिए ये श्याम रंग जो भगवान का श्याम रस है यानी भगवान
की जो लीला है वो रस और मधुर है, रसीली है। इस मधुर रस का पान करते हैं बलदेव जी, और जिस कारण उनका रंग श्याम रंग हो गया। इसलिए इस स्थान पर जो दाऊ जी का विग्रह है वो श्याम रंग में है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तालवन। तो नेक्स्ट हमारा लीला स्थली है तालवन। यहाँ पर ये वही तालवन है जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी यादवों के हितार्थ और सखाओं के विनोदार्थ धेनु का सुर का वध किया था। यहाँ पे ये स्थान आता है मधुबन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 2.5 मील की दूरी पर यह तालवन स्थित है। यहाँ ताल वृक्षों से भरपूर एक बड़ा ही सुहावना एवं रमणीय वन है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वन था जो अब नहीं है, ताल वृक्ष अब नहीं है, लेकिन उस समय ताल के फलों का बड़ा बड़ा लंबा लंबा बहुत ही सुंदर वन था। और वो किसके संरक्षण में था? धेनुकासुर के, क्योंकि कंस जो है उसने ये वन की रक्षा धेनुकासुर को नियुक्त कर रखा था इस वन की रक्षा की। और इस धेनुकासुर की बहुत सारी पत्नियां भी थी और बहुत सारे पुत्र थे, और ये लोग बहुत सावधानी से इस वन की रक्षा करते थे। इसलिए ये लोग साधारण लोगों को वन पे आने ही नहीं देते थे, सिर्फ महाराज कंस और उनके अनुयायी ही इस मधुर ताल फलों का रस स्वाद कर सकते थे, और कोई भी इस पेड़ के ताल फलों का स्वाद नहीं ले सकता। तो एक दिन सखाओं के साथ कृष्ण और बलदेव गोचरण ते हुए निकलते और उड़ते हुए इस तालवन की तरफ आ जाते। तो सखा सब को बहुत भूख लगी होती है, वो कृष्ण को बोले कि हमारे हमारे जो क्षुधा रूपी असुर है, यानी भूख का जो असुर है, उसको उससे तुम हमारी रक्षा करो। कृष्ण बलदेव जी को बोलते हैं, तो उनको पास में ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है पके हुए फल यानी ताल फलों की। तो ये सुनकर कृष्ण और बलदेव सखाओं को साथ लेकर तालवन पहुंचते हैं, और बलदेव जी ने क्या किया, जोर जोर से वो पके हुए जो फलों से लदे हुए पेड़ थे उनको नीचे से हिलाते हैं, जिससे कि सारे फल थप 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 करके, क्योंकि पके हुए फल तुरंत गिर जाते हैं पेड़ से, तो वो गिरने लगते हैं। और जो सखा है ग्वाल वाले वो आनंद से उछलते हुए उन फलों का सेवन करती है, लेकिन जब फल जोर जोर से जमीन पर गिर रहे थे, थप थप करके आवाज आती है, तो ये आवाज सुनकर वहां पर धेनुकासुर आ जाता है अपने सारे अनुचरों के साथ, और वो अपने पिछले पैरों से कृष्ण और बलदेव पर आक्रमण करता है। तो बलदेव प्रभु क्या करते हैं, उसके दोनों पीछे के दोनों पैर महाक्रमी धेनुकासुर के पिछले पैरों को पकड़ कर उसको जोर जोर से ऐसे गोल घुमाते हैं और जोर से ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि वो जो ताल वृक्ष के ऊपर जाके उसको पटक गया, और साथ ही साथ वह असुर मल मूत्र त्याग करता हुआ मारा जाता है। और फिर यहाँ पे कृष्ण भी अपनी लीला कर रहे होते हैं, धेनुकासुर के जितने भी अनुचर यानी उसके जितने पुत्र हैं और भी थे, उन सबका ये भी वध कर देते हैं, और ताल का पूरा वन मल और मूत्र के और रक्त से दूषित हो जाता है, और फिर ताल के सारे वृक्ष भी एक दूसरे पर गिरकर नष्ट हो गए। और लेकिन बाद में जब ये सारे राक्षस और असुर का वध हो गया, तो फिर से वहां पे नए ताल वृक्ष होते हैं, और वो पूरा वातावरण शुद्ध और सबके लिए सुलभ हो गया, यानी फिर वहां पर कोई भी आ जा सकता। इस जो लीला है इसके पीछे क्या शिक्षा है, कि जो बलदेव प्रभु है वो अखंड गुरुत्व का यानी जो गुरु तत्व है वो बलदेव जी है। बलदेव जी रिप्रेजेंट गुरु तत्व। तो बिना गुरु की कृपा से हमारे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं जाग सकता, यानी जो शिष्य अर्थात श्री गुरुदेव की सत शिष्य की विभिन्न प्रकार की अज्ञाता को, यानी शिष्य के अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करके हृदय में कृष्ण भक्ति का जो संचार करता है वो गुरु होता है। रेणुकासुर जो था वो अज्ञात की मूर्ति है, यानी अज्ञानता की मूर्ति है। अखंड गुरुत्व बलदेव जी
जो है उनके कृपा से कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व और माया तत्व का बोध संभव है। हम बिना गुरु की कृपा के ये तीन तत्वों को नहीं जान सकते। ऐसा होने पर कृष्ण की भक्ति तो हमारे अंदर बढ़ जाती है। जो गधा होता है वो मूर्ख होने के कारण इस संसार के विभिन्न यानी तरह तरह के भारों को ढोने वाला होता है, और अपनी जो फीमेल डोंकी है उसके लातों को खाते हुए भी वो हमेशा बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा कामुकता होती है जो गधा होता है, और फिर इसी तरह वो धोबियों के द्वारा भी हमेशा प्रहार पाता है। धोबी भी उसको मार पिटाई करके उससे बोझा धुलवाते हैं। ऐसे ही ये जो धेनुका सूत था वो गधा ही था, यानी वो अज्ञानता का सिंबल था जिसको बलदेव जी ने उठा के पटक के खत्म कर दिया, जिससे कि हम कृष्ण तत्व को समझ सके। तो इस तरह ये कहानी का ये एक्चुअली में मीनिंग था। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और गधे की दुर्गुणों के युक्त होते हैं वे अपनी मूर्खता वर्षा ऋतु में भी प्रचुर घास खाने वाले स्थान पर भी दुबले पतले तथा गर्मी के समय कम घास के दिनों में भी मोटे ताजे हो जाते हैं। तो यहाँ बलभद्र कुंड भी है और बलदेव जी का मंदिर भी है, और मथुरा के 6 माइल सदन साइड में 6 मील दक्षिण में मधुवन से 2 मील के दूर और नैऋत्य कोण में या तालवन स्थित। नैऋत्य कोण यानी कॉर्नर जैसा होता है, तो वहां पे तालवन स्थित है। नेक्स्ट आता है कुमुदवन।